यूक्रेन के 7 शहरों पर मिसाइल अटैक। ज़ेलेंस्की बोले, रूसी सेना की वापसी तक पुतिन से बात नहीं, वो अपनी बात से पलट जाते हैं। एक्टर सतीश कौशिक का निधन। फैमिली फंक्शन में दिल्ली गए थे, पोस्टमार्टम खत्म हुआ, अस्पताल ले जाने वालों से भी पूछताछ होगी। चीन पाक ने उकसाया तो सैन्य कार्रवाई कर सकता है भारत। पहले की सरकारों के मुकाबले मोदी शासन में करारा जवाब देने को तैयार सेना। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ ग्राउंड का चक्कर लगाया। दोनों ने अपने अपने कप्तानों को कैप दी। राष्ट्रगान के समय टीम के साथ खड़े रहे। पाक कॉलेज में जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का एमबीबीएस सीट्स पर दाखिला, एडमिशन देने के मामले में हुर्रियत नेता के घर ईडी की रेड। तमिलनाडु के 13 भाजपा नेता एआईएडीएमके में शामिल, कहा पार्टी में स्थिति सामान्य नहीं। बीजेपी ने एआईएडीएमके पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। भारत में नए यूएस राजदूत हो सकते हैं एरिक गासिट, राष्ट्रपति बाइडेन ने नॉमिनेट किया, कहा भारत में स्थायी एम्बेसडर रखना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। सिसोदिया से पूछताछ के लिए तिहाड़ पहुंची ईडी, शराब नीति केस में सीबीआई के बाद दूसरी एजेंसी की जांच, जमानत पर कल होगा फैसला। पाकिस्तान में ड्राइवर ने हिंदू डॉक्टर का गला रेता, स्किन स्पेशलिस्ट होली खेलकर घर लौटे थे, इस बात से नाराज था ड्राइवर। राष्ट्रपति के दौर से पहले अमृतसर में खालिस्तान के नारे, जेएनयू के बाहर लिखे नारे के बैनर आनन फानन में हटवाए। अमृतसर 4 घंटे के लिए नो फ्लाई जोन। श्रीलंका हमेशा भारत का असहनमंद, विदेश मंत्री बोले जो मुश्किल में काम आए वही सच्चा दोस्त, भारत इस कसौटी पर खरा उतरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के फैसले पर विवाद, 20 संसदीय कमेटियों में नियुक्त किए गए पर्सनल स्टाफ के 8 अधिकारी, कांग्रेस ने किया तीखा विरोध। जॉर्जिया में एनजीओ मीडिया ग्रुप्स पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस पर फेंके पत्थर, पेट्रोल बम, अमेरिका बोला इससे अभिव्यक्ति की आजादी छिनेगी। नीतीश से बगावत का तोहफा, उपेंद्र कुशवाहा को मिली वाइप्रस सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन, 128 साल की थी साउथ अफ्रीका की जोहाना माजुबुको, उनको 50 से ज्यादा नाती पोती और पड़पोते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा बेंगलुरु में रोड शो और जनसभा करेंगे, पार्टी का प्लान 5B तैयार। चिली एयरपोर्ट से 266 करोड़ चुराने की कोशिश नाकाम, 12 डकैतों ने कार्गो कंपनी के शिपमेंट पर हमला किया, गार्ड समेत 2 की मौत। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को एनसीपी का साथ, शरद पवार ने सीएम नेफ्यू रियो को दिया समर्थन, महाराष्ट्र की राजनीति में असर। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर बनाए 255 रन, उस्मान ख्वाजा ने जड़ा शतक, शमी ने झटके 2 विकेट। वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंग्लैंड को बांग्लादेश ने दी टी20, हराया 157 का टारगेट, 18 ओवर में हासिल किया।